हेलो हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे। आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं पीजे सर वापस शुरू करता हूँ, कल जहाँ पे खत्म किया था वहीं से। देखिए बच्चों, जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आने वाली है, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आने वाली है, लेकिन लड़ेंगे दिल से और जीत के बताएंगे। हम लोगों को हमेशा दिल से लड़ना है, पूरी मेहनत करते हुए हमेशा जीत के दिखाने के लिए हमेशा मैदान में डटे रहो, हार मत मानो। हार कौन मानता है? जो जीवन में समझ चुका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। अरे क्या बात है, जोश देखो तो बच्चे का। चलो बच्चों, एक कमेंट किया था मैंने कि जो जो अभी तक कमेंट कर चुके हैं उनके मैं नाम बोलूंगा, तो आज मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं। तो जिन जिन के भी नाम मेरे पास कमेंट में पढ़े हैं, सबसे पहले एक बहन है कमला जी, तो कमला जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एक मीना जी भी है, तो बहन मीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नीमा राम जी भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एस करके कोई कमेंट आया था, उसमें नाम नहीं था, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आप लोग की क्लास देख रहे हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो अहम है कि हमारे गाँव के जो बच्चे होते हैं, यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश और हिंदी में अच्छे से समझा के पढ़ाना और फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहली चीज़ होती है। मेरे को कुछ कमाना नहीं है, मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करके ये करता हूँ, क्योंकि मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, इस काम में सुकून मिलता है। ठीक है ना, हर इंसान की अलग अलग अहम होती है, कोई पैसे कमाने के लिए होता है। मेरे पास भी खूब सारे ऑफर छोड़ के बैठा हुआ, चाहे वो PW का हो, चाहे वो LN का हो, चाहे मोशिन का हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण बच्चों को एजुकेट करना है, जिसके लिए मैं जितना हो सकता है हमेशा करता हूँ। और लोग मेरे पे हंसते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि यार कोई मेरे काम से हंसता है, इनको ये लगता है कि ये बंदा क्या करता रहता है पागल की तरह। कोई बात नहीं, जहाँ से कुछ किसी का भला हो जाए वो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, पैसे तो यही पड़े रहेंगे, कल चले जाएंगे, है ना। तो पैसे तो बच्चे उड़ाने ही है, मजे करने ही है। इससे अच्छा ये है कि पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जाएं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। ये मेरा पर्पस पिछले 3 सालों से है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ अच्छे से, तो धीरे 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 करता जा रहा हूँ। चलो तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा साइड में रखते थे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कि नहीं। अरे कितने लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक और किसका रिप्लाई आया है, अभी आते तो आते देख लेते हैं। चलो 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 चलो, वहाँ एक रिप्लाई तो आया है, किसी का आया पता नहीं। तो वॉल्यूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। और एक चीज कह रहा था कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ना, KSA पाठशाला फिजिक्स विद पीजे सर, बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सा चैनल है और कैसे आपको इसमें लाइक। आज का होमवर्क जो मिलेगा वो पहले ही मैंने वहां पे फाइल भेज दी है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल ध्यान से देखिएगा, उसका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं DPP कंटेंट सारा डालता हूँ। थोड़ा आगे आ जाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखो ये वाला बेटा जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, इस तरीके से, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है क्या, सॉरी टेलीग्राम चैनल, क्या लिखा हुआ, KSA पाठशाला फिजिक्स विद पीजी सर। इसमें देखो मैंने सारी फाइल डाल दी है, देखो आज का होमवर्क भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में मॉड्यूल का बोला था मैंने कल रात को, मॉड्यूल डल चुका है, ठीक है, PPTs वगैरह सारे कंटेंट इसके अंदर जो है अपडेट्स आते रहते। चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं और सेशन को हम लोग जो है वो शुरू कर देते हैं। चलो बच्चों, अच्छा आज सारा सेटअप करके अच्छे से बैठा हूं और मेरे को कंफर्म है कि आज कोई भी मिस्टेक या कोई भी टाइम जो मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कल आपका टाइम वेस्ट किया था मुझको बताए, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ। तो कैसे हो रहे, चिंगू रहो, बड़े ऐसे रहो, खुश हो रहे, ऐसी रहा करो लाइफ में, पढ़ाई भी क्या करो, मस्त रहा करो, खाओ पियो और मस्त रहो, छुट्टियां हैं अच्छे से दबा के आप लोग जो है वो पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पढ़ने के अलावा कोई काम करोगे तो वो काम आपको इतनी सफलता नहीं दिला सकता जितनी की पढ़ाई दिला सकता है। पढ़ाई जो होती है ना, सबके सपने साकार कर देती है, बस आपको मेहनत करनी है। और हमारे ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते हैं ना, उनका तो कोई मत, मेहनत में सबसे आगे होते हैं बेटा।
आई बात समझ में? चलो कल हम लोगों ने कूलम्स नियम और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पे अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए होंगे, आई थिंक कर लिए होंगे। तो जिसको जो डाउट आए वो टेलीग्राम चैनल पे आके स्क्रीनशॉट भेज दे या मेरे नंबर से बात कर ले, ठीक है? मेरे नंबर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ऑटोमेटिक मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे होमवर्क करवा के, ठीक है ना? मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि आपने कितना होमवर्क किया और कितना नहीं किया है। चलो प्यारे बच्चे, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज थोड़ी सी आगे बातें करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल आपको करवा दिए थे। चलो, कल हमने कंपैरिजन किया था ग्रेविटेशन फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जो सिमिलर होते हैं और दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। एक फोर्सेस जो होता है वो मास के लिए लगता है और मास जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स को लाइक करते हैं, है ना? और उसके बाद में प्यारे बच्चों जो दूसरा फोर्स बताया था वो बच्चों बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में लगता है और इनकी नेचर प्यारे बच्चों अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्सन भी होती है। अरे कैसी होती है रे? अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होती है। इसके बेस पे एक सवाल किया था और दोनों का रेशियो निकाला था हमने, जिसका आंसर 10^42 आया था। ये डेल्टा ही मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया था और बोला था डेल्टा ही की वैल्यू निकाल देना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? तो भाई कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना, जैसे मैं कुछ चीजें छोड़ू तो आप मेरे से पूछ सको, तो मेरे को पता तो चले भाई कौन कौन देख रहा है, वरना पढ़ा के चला जाऊं पता चले एक भी बच्चा नहीं देख रहा है ना, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले एक भी ना देखे, ठीक है ना? मैं ना तो कभी रुका हूं ना कभी रुकूंगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो, ये कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे सवाल जेई लेवल के आते हैं और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट कह सकते हो। इसमें कुछ कट रहा है क्या? एक सेकंड, आज मैं टीवी ऑन करना भूल गया। सर आपने कहा था ना आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, चलो ये अभी स्टार्ट नहीं किया ना, तो ये यहाँ पे मैं आपका ना स्टार्ट करके रख देता हूँ। चलो, मेरे को पता तो चले भाई स्क्रीन पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, आगे बात समझ में? चलो एक बार क्वेश्चन को देखो, पढ़ने की कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन को देख के पढ़ने की कोशिश करो। अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा बच्चों, ठीक है? सही कर दिया मैंने कैमरा। एक बार सवाल को पढ़ो एक बार अच्छा ना। आपके पास में दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर दे रखे, छोटे छोटे से दो एक समान जो है आपके पास में गोले,
अवस्थिर के। इनका प्रत्येक का जो मास है अर्थात द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है और इनको लटका के हैंग किया गया और ये इक्विलिब्रियम में अर्थात साम्य अवस्था में। समझते हो ना साम्य अवस्था क्या होती है, 11th क्लास आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। एफवीडी बनाना आता है ना, न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट और सेकंड उनका यूज करोगे। एंड द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ में कोई भी स्ट्रिंग यानी रस्सी जो है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है और ये आपकी जो है वो रस्सी है, स्ट्रिंग है, कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्या फाइंड करना है, प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं यहां से आप लोगों को एक चीज करके बताऊंगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से, देखिएगा एक बार। अब ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, प्यारे गुड़े और गुड़िया। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास में ये भी चार्ज है क्यू और ये भी चार्ज है क्यू। इसका मास आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल एम और इसका मास दे रखा है स्मॉल एम। तो आप लोगों को पता है कि इन दोनों की नेचर सेम है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बोला क्या गया आइडेंटिकल चार्ज है। स्टार्ट में क्या बोला गया कि ये दोनों कैसे चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक दूसरे के समान, यानी इसका जो चार्ज रहेगा वो इसका भी रहेगा। क्या कहा बच्चों, जो चार्ज इसका रहेगा वो इसका भी रहेगा, जो मास इसका रहेगा वो इसका भी रहेगा। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखना बेटा कि ये चार्ज भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है कौन सा फोर्स लगना है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है कि नहीं लगना रे, बोलो कौन सा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जब रिपेल करेंगे एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूर जाएंगे, सर दूर जाएंगे, क्या होगा रे, दूर जाएंगे। तो मैंने इस फोर्स को यहां से दूर भेज दिया। अब ध्यान से देखो कि ये रस्सी है और रस्सी पे क्या लगता है, टेंशन लगता है। क्या लगता है रे बच्चे, टेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आ जाएगा टेंशन फोर्स इस तरीके से, तो ये यहां पे आ जाएगा आपका टेंशन फोर्स। आगे बात समझ में अच्छे से। अब इसके कंपोनेंट करो, तो आप जैसे ही कंपोनेंट करोगे इसके, तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस टी के कंपोनेंट करूं तो ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो सीधी सी बात है ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जेड बन रहा है तो क्या होता है, ये वाला एंगल भी कितना होता है बेटा, थीटा होता है। तो मेरा यहाँ पे भी जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, थीटा आ जाएगा। और अगर ये थीटा है तो इसका ये वाला जो हमारे पास में कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा टी कॉस थीटा, कितना बन जाएगा, टी कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, साइन थीटा बन। उसके बाद कोई भी पार्टिकल होता है तो उसका नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, पता है ना, वेट कहते हैं जिसे mg। तो यहां पे ये हमने इसका FVD बना दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला भी था कि ये वाला जो क्वेश्चन है FVD पे आधारित है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास में स्पेयर दे रखा था, क्या दे रखा था, स्पेयर दे रखा था, उसका हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे बेटा बात समझ में, बहुत बढ़िया गुड़िया। अब ध्यान से देख गुड़िया कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस रस्सी में टेंशन फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था, टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे वर्टिकल में जो एंगल थीटा था, तो यहाँ पे वापस एंगल कितना बन गया, थीटा, क्योंकि जेड बन रहा है ना, पता है कौन सा एंगल होता है। अब मैं यहाँ पे ना एंगल के बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये एंगल थीटा और ये इसका कंपोनेंट टी, तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हुआ, टी कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या बना, टी साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा। और कोई भी अगर आपके पास में जो है पार्टिकल होता है उसका हमेशा ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशन के कारण नीचे की तरफ एक वेट लगता है, जो एक फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम भी क्या होता है, एमजी। फिर न्यूटन कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपका जो एफ नेट होता है उसका मान जीरो होता है। कितना होता है बेटा? जीरो। यानी कि एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस जो लगेंगे वो भी जीरो के बराबर और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लगेंगे वो भी जीरो के बराबर। अरे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ में ये बताया था कि उसके पास एक्सेलरेशन होता है तो वो किसी मास से जाता है, तो नेट फोर्स किसके बराबर कर देते हो? एम ए के बराबर कर देते हो, है ना। तो यही चीज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे एक्स डायरेक्शन की फोर्स को बैलेंस करेंगे। कौन सी डायरेक्शन की फोर्स को बैलेंस करेंगे? एक्स डायरेक्शन की फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रही है टी साइन थीटा और दूसरी कौन सी लग रही है? एफ ई। तो क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा माइनस एफ ई बराबर जीरो, टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ ई, इक्वेशन नंबर वन। कुछ लोग कहते हैं सर लेफ्ट वाली फोर्स राइट फोर्स के बराबर कर दो। कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता है इक्वल में कितना आना है? जीरो। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड होते हैं सेम, तो इसीलिए ये क्या आ जाता है? बराबर। उसके बाद में जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं यानी कि जो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को भी बराबर करो। क्या करो? इक्वल करो। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टी कोस थीटा। नीचे कौन सा लग रहा है? अरे एम जी। तो यहां पर हम लोग करेंगे टी कोस थीटा बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर टू। आई बात समझ में? तो न्यूटन्स लॉ से एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस और वाई डायरेक्शन की फोर्सेस इक्विलिब्रियम में निकाल के इक्वेशन निकाल दो। पूरा समझा रहा हूं बेसिक के अंदर जाके। अब आप लोगों को क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय टू। तो क्या बचेगा बच्चों? टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बचेगा टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। क्या बचेगा? रे एफ ई अपॉन एम जी बचेगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, तो ये जो लेंथ थी एल देर की थी, कितनी देर की थी बेटा? एल। अगर इसके भी कंपोनेंट करें तो ये वाला जो भाग है वो क्या बनेगा? एल कोस थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? एल साइन थीटा। सेम इसके भी करो, तो यहां पे भी अगर इसके पार्ट करोगे तुम लोग तो सीधी बात है कि ये थीटा बनेगा। तो ये वाला भी जो है कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। ये एल साइन थीटा और ये एल साइन थीटा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर माने तो इसका मान हो जाएगा टू एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? रे टू एल साइन थीटा। आई बात समझ में? कैसे किया कि ये लेंथ कितनी देर की थी? एल देर की थी। अगर ये वाली लेंथ एल है तो इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एल कोस थीटा और दूसरा एल साइन थीटा। तो ये यहां से यहां तक का कंपोनेंट एल साइन थीटा बना। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट भी क्या बनेगा रे बच्चों? एल साइन थीटा। और ये भी अगर एल साइन थीटा हुआ तो ये दोनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? टू एल साइन थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर थ्री आई जो, और ये आपको पता है डायरेक्ट एक बार है ना ये थीटा के बारे में भी पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ये होता है टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी, अच्छे से याद रखना, एक बार पूछा भी गया है। अब ध्यान से देखो कि दूसरी चीज को तो समझो। अब यहां पे क्या किया ध्यान से? अब यहां पे इन लोगों ने एक चीज को थोड़ा सा आगे ले गए और इलेक्ट्रिकल के अंदर गए। तो आप लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर के एफ का क्या होता है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अभी मैं आर स्क्वायर ही रख रहा हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से देखना बेटा tan थीटा बराबर क्या आ गया? तो यहां से मेरे को tan थीटा की वैल्यू मिली के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अरे चेक कर लो रे, यही है कि दूसरी? अरे बोलो रे, यही है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आगे देखो ध्यान से, तो के क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तो के क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा के बराबर। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई की, इसको सॉल्व करोगे तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा R स्क्वायर mg tan थीटा अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा रे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। बोल साथ साथ में बोलते रहो जैसे तुम्हें याद रहे, वरना बोलोगे सर हमको तो फिजिक्स में है ना बोलते जाते हो कुछ याद भी नहीं रहता। तो ध्यान से देखना बेटा, तो Q स्क्वायर बराबर ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बच गया? R स्क्वायर mg
टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्यू बराबर आपको पता है आर स्क्वायर का मान कितना था, टू एल साइन थीटा का स्क्वायर एम जी टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो ध्यान से देखोगे 2L sin थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 4 और 4 कितने बन गए 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, यहां से आएगा sin स्क्वायर थीटा और tan थीटा। तो Q का मान आ जाएगा मेरे बच्चों 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan। बहुत अच्छे सवाल है और गुड क्वालिटी के सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं कभी कभार पेपर जब से डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो ध्यान रखना ये वाला नेट जांच के बिल भाई कैसे किया अच्छे से देख लो एक बार, सही आंसर निकाला हुआ है ना, चलो ठीक है एक बार देख लो कैसे किया, ठीक एक बार आप देख लो ठीक है। चलो साठ से सवाल को देख लो अच्छे से, है ना, वापस नहीं बताऊंगा। टेन थीटा में इक्वेशन निकालो, यहां से इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू रख दो, किसकी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वैल्यू रख दो, उसको सॉल्व करके क्यों निकाल लो खत्म। चलो लिखो जल्दी से एक मिनट के लिए। हो गया यहाँ तक, चलो वापस बताना हो तो बता दूँ मैं, जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आता है ना तो वो टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेज दे, तो मैं उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के उसी के नंबर पे उसी के टेलीग्राम पे भेज दूंगा, है ना बेटा, घबराना मत, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा गुड़िया कह रही सर साइड में जाओ दिख नहीं रहा है, चलो फिर साइड में हो जाऊँगा फिर मैं नहीं आऊँगा ना, है ना, एक झिंगुर था लिख लिया फटाफट से काम कर ले, हैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बार आज से। चलो हो गया, लिखते जल्दी लिख दे बेटा फटाफट लिख दिया, तो धीरे क्या लिख रहा है दूरे। चलो आ जाओ देखो इसी का कंसेप्ट पे सवाल आ रखा है पहले एग्जाम के, सेम सवाल है थोड़ा सा डिफरेंस है, कर लोगे क्या, टेंशन निकालना है, क्या निकालना है टेंशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनो हिंट क्या बताता हूँ मैं, सॉल्व ही कर देता हूँ, तुम बोलोगे सर तो हिंट ही देते, ये लो ये एंगल कितना हो गया 30, ये चार्ज क्यू है ये भी चार्ज क्यू है और प्रत्येक चार्ज का मान क्या देर का है 10 × 10⁻⁶ गुना, तो ये क्यू का मान आ गया आपके पास में 10⁻⁵ को, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा टेंशन निकालना है, तो ये टेंशन ले लो आप लोग अच्छे से ठीक है ना, फिर आपने दो कंपोनेंट निकाले थे कि नहीं निकाले थे, एक ये वाला निकाला था और एक ये वाला निकाला था, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा ये वाला कंपोनेंट क्या बना था, ये एंगल 30, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30, ये एंगल 30, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस 30, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा टी साइन 30, ये टी साइन 30 और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स कर दो बराबर, इन दोनों को सॉल्व करो तो भी टेंशन निकल जाएगी। चलो ध्यान से देखोगे कैसे हो जाएगा, तो देखो बच्चों ये होगा टी साइन 30 बराबर कितना आया टी साइन 30 बराबर एफ ई आया, कितना आया एफ ई, टी साइन 30 कितना होता है प्यारे बच्चे, तो टी साइन 30 होता है 1/2, एफ ई क्या निकाल लोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर लोगे, आगे बात समझ में। चलो अब ध्यान से देखना 9 × 10⁻⁹ क्यू का मान कितना है 10⁻⁵ का स्क्वायर, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ये कितना आ गया टी बराबर 9 ×
मल्टीप्लाई 10 to the power 9 मल्टीप्लाई 10 to the power -10, तो ये आ गया 18 मल्टीप्लाई 10 to the power -10 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 18 गुणा 10 to the power -1 इक्वल्स टू 18/10 यानी कि 1.8 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.8 न्यूटन। ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है और अच्छे कंसेप्ट पे सवाल बना रखा है, बहुत तगड़ा सवाल बना रखा है, आई बात समझो, बहुत प्यारा सवाल है, देख लो जल्दी से उसी कंसेप्ट पे जो हम करके आए, बस यहाँ पे जो यूज किया है न्यूटन लॉ की जो हमारे पास में इक्वेशन होती है उसका यूज किया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के। जल्दी लिखो बेटा, चलो अब आगे देखो ध्यान से, 2013 में नीट के पेपर में इसी कंसेप्ट पे सवाल बनाया गया, सेम कंसेप्ट, कुछ भी यूज नहीं किया, ये सेम कंसेप्ट यूज किया और कोई भी काम इन लोगों ने नहीं किया, ये ध्यान। तो ये सवाल नीट के पेपर के अंदर बनाया गया, देखो ध्यान से, दो बॉल है आपके पास में, इक्वल चार्ज है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ जो है वो समान है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आर है, ठीक है। अब आपको बोला गया नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, अगर इनको हाफ ऑफ द हाइट पे लगा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो रहेगा बॉल का वो कितना रहेगा, ये आपको बता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है वो बॉल्स के बीच का सेपरेशन बताना है, ये ध्यान रखना, जल्दी से कर लो बेटा फटाफट से, 2 मिनट का समय है बेटा। चलो 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 जल्दी करो, तो बताओ ये जो सेपरेशन लेंथ है वो कितनी आएगी, यही सवाल के अंदर। अच्छा ये दोनों सेम दे दिए इसने, ये अलग होगी, सेम नहीं होगी, ध्यान रखना है चीज का, ध्यान रखना, इस तरीके से यार डैश हो जाएगा बेटा। चलो जल्दी से कर लो फटाफट आराम से, ठीक है ना। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उत्तर बोलो उत्तर बोलो उत्तर बोलो, जल्दी से बोलो। आया किसी का आंसर नहीं आया क्या, चलो खबर आओ, देखो ध्यान से बेटा, ये एंगल थीटा मानो, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा डैश रहेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करो, टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, एफ ई अपॉन एम जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये रे इक्वेशन सर कहाँ पढ़ा था, ये देखो बेटा मैंने बोला भी था इक्वेशन काम आएगी, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना, तो फिर बेटा चलो अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लू, कौन सा बच्चों ये वाला ट्राइंगल लू, तो ये डिस्टेंस आर है तो ये कितनी हो जाएगी आर बाई टू, तो यहां से tan थीटा कितना निकलेगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है,
तो परपेंडिकुलर कितना है आर बाई टू, कितना है आर बाई टू, और बेस कितना है, तो बेस हमारा जो बनेगा वो ये वाली लेंथ बनेगा, और ये बेस कितना दे रखा है, वाई दे रखा है कि नहीं दे रखा है, वाई। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं पहले वाले डायग्राम से तो क्या बनेगी, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी, और टेन थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे बच्चे वो क्या बनाई मैंने, आर बटे टू अपॉन बेस का मान वाई बराबर एफ ई अपॉन एम जी। तो ये इक्वेशन बन गई आर अपॉन टू वाई बराबर एफ ई अपॉन एम जी, क्या बना रहे आर अपॉन टू वाई बराबर एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई का मान कितना है, तो ये इक्वेशन वापिस कन्वर्ट होगी आर अपॉन टू वाई बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, होगी कि नहीं होगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी बन जाएगा। ठीक है, ये फोर्स इन दोनों के बीच का रहेगा, यहाँ पे आर बाई टू नहीं रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस आर ही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहा हूं, और ये जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के बीच में, ये इक्वेशन यहाँ पे आई। तो इस इक्वेशन को आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन, ये पहला वाला केस ले लिया। अब सेकंड केस ले लीजिए बच्चों, तो सेकंड केस में क्या होगा, ये डायग्राम लोगे तो टेन थीटा डैश लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा डैश बराबर क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो टेन थीटा डैश बराबर अब क्या करोगे, वही चीज वापिस करोगे जो आपने पिछली बार की, ये आर डैश, तो ये क्या बन जाएगी आर डैश, तो क्या होगा इस लेंथ का नाम कितना हो जाएगा, ये आर डैश बट्टे दो हो जाएगा, तो यहां से बनेगा आर डैश बट्टे दो अपॉन, ये लेंथ इस बार कितनी है, तो ये लेंथ वाई बाई टू है, कितनी है वाई बाई टू बराबर, फोर्स लगा दो वापिस वही, तो फोर्स क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू से टू कट जाएगा, तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा आर डैश बटे वाई बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्या इन दोनों को सॉल्व करके तुम आर डैश निकाल लोगे क्या, पता है तुम कैसे निकालोगे, ध्यान से देख लो अच्छे से, तो वन और टू को डिवाइड करना है आपको, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू, वो आपकी इक्वेशन नंबर वन थी, तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा बेटा आर अपॉन टू वाई अपॉन आर डैश अपॉन वाई बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर एम जी। आई बात समझ में, अब क्या होगा ध्यान से देखोगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर गया, एम जी से एम जी गया। अब ध्यान से देखना, तो यहां से क्या बचा आर अपॉन आर डैश बचा बराबर, यहां से क्या बचेगा ध्यान से देखोगे तो ये बचेगा आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे टू भी था तो क्या बना, आगे वाले पेज में करें, ठीक है, आर स्क्वायर और आर कितना बन जाएगा प्यारे बच्चे, इनका गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा आर की पावर थ्री बराबर टू आर डैश की पावर थ्री बन जाएगा, तो आर डैश की पावर थ्री क्या आ जाएगा बच्चों आर क्यूब बट्टे दो, तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा आर क्यूब बट्टे दो की पावर वन बाई थ्री, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में आर बट्टे टू की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा। चलो ऑप्शन है क्या कोई, ये रहा अब सर, बहुत प्यारा सवाल है और एग्जाम का सवाल है, अच्छे से देख लो एक बार वापिस बता देता हूँ, देखो क्या किया कि सबसे पहले यहां से टेन थीटा निकाला, फिर आपको पता है कि जैसे ही हम लोगों ने इसको नीचे लेके आया तो थीटा भी चेंज हो गया और ये लेंथ भी चेंज हो गई और ये लेंथ भी चेंज हो गई, इन दोनों से टेन थीटा की इक्वेशन निकाली और जो इक्वेशन आई उन दोनों को बराबर करके वैल्यू सॉल्व करके आर डैश का मान निकाला। ऐसे क्वेश्चन को और जो कॉन्सेप्ट बताए ना इसको आज घर जाके हाथ से करना, बेटा ये कॉन्सेप्ट कई बार आते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट है और अच्छे सवाल भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, तो अब हम बात करेंगे कैसे कंसेप्ट के ऊपर आएंगे, जो हमारे फिजिक्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट और प्यारा कंसेप्ट माना जाता है, वही चीज कहूंगा मैं, पहले समझाऊंगा कंसेप्ट को फिर वापिस दोनों पे भी डिस्प भी ना बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग डाटा भी मैं लेता हूँ कहीं से भी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की ट्राई करता हूँ। देखिए बेटा
हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिकल फोर्स का, अगर ऐसा हो जाए कि एक चार्जेस के ऊपर, क्या कह रहा हूं, एक चार्ज है पर उस चार्ज के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे, जैसा हमारी लाइफ में होता है कि हमको बोलने वाले बहुत होते हैं, टीचर भी कहते हैं, ठीक है, और टीचर की बात घर वाले भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, हम सबकी सुन के उनके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं कि नहीं करते, तो वैसा ही यहां पे होता है। मानिए कि हमारे पास में एक चार्ज है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट के पास में खूब सारे चार्ज है क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और क्यू फोर और क्यू, इस तरीके से इसके आसपास में चार्ज है कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये मान लो हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा, इसे आर जीरो वन बोल दो डिस्टेंस, इसे आर जीरो टू बोल दो, इसे आर जीरो थ्री बोल दो, इसे आर जीरो फोर बोल दो और इसे आर जीरो एन। तो क्या होगा, ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे भी लगाएगा और ये चार्ज इस पे भी लगाएगा। तो आपको पता है लगने वाले कैसे, रिपल्सन है, तो ये यहाँ पे कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा रिपल्सन फोर्स एफ जीरो वन हो जाएगी, ये यहां लगाएगा तो एफ जीरो टू हो जाएगा, इस तरीके से। अब क्या होगा, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस आ गए, और जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस आ गए तो उनका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम, क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक क्षण, यानी कि एक ही चार्ज पे वहां पे प्रेजेंट बहुत सारे चार्जेस के कारण फोर्स लगे, हम उनका एल्जेब्रिक सम करके वहां पे जो वो नेट फोर्स निकालते हैं। तो आपकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, एफ नेट बराबर आ जाएगा एफ जीरो वन प्लस एफ जीरो टू प्लस एफ जीरो थ्री देन सो ऑन एफ जीरो एन हो जाएगा। तो यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर जीरो वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू जीरो क्यू टू अपॉन आर जीरो टू का स्क्वायर, प्लस के क्यू जीरो क्यू थ्री अपॉन आर जीरो थ्री का स्क्वायर, देन सो ऑन के क्यू जीरो क्यू एन अपॉन आर जीरो एन का स्क्वायर। ये यहां से हम लोग जो वो नेट फोर्स निकालते है, और इसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत कहते हैं इसे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है, ये रहा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इस तरीके से ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। अब देखना बेटा इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में थ्री चार्जेस का सिस्टम बनाएगा और एक फोर चार्जेस का सिस्टम बनाएगा और नेट फोर्सेस पूछेगा। क्या बोला, एक थ्री चार्जेस का सिस्टम बनेगा और एक फोर चार्जेस का सिस्टम बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, तो आपको पता है थ्री चार्ज का सिस्टम जनरली ये जो बनाता है वो ट्राइंगल से बनाता है, किससे बनाता है, ट्राइंगल से, इस तरीके से ट्राइंगल होगा। और बोला गया कि ट्रायंगल के ऊपर तीन प्रकार के चार्ज रखते हैं, क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव, अरे कैसा है रे, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो ये चार्ज कैसा, क्यू वन, ये क्यू टू और क्यू थ्री। अगर हम बात करें क्यू टू के बारे में तो बताइए क्यू टू पे फोर्स कौन कौन लगा रहे, तो क्यू टू पे एक तो फोर्स लगा रहा है क्यू वन और दूसरा कौन लगा रहा है, क्यू थ्री। भाई जब हम बात करें क्यू टू की तो Q2 पे फोर्स कौन कौन लगा रहे, जो इसके पास में होंगे, तो Q2 के पास में कौन कौन से फोर्सेज है, एक तो Q1 फोर्स है और दूसरा कौन सा है Q3। अब Q1 लगाएगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कैसा लगाएगा, रिपल्सन, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे लगेगा, यानी इस तरीके से एक फोर्स लगेगा। कहां पे खड़े हो, दो पे, लगा कौन रहा है, वन। उसके बाद में यहां पे आ जाओ, ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, इस तरीके से फोर्स लगेगा। कहां खड़े हो, टू पे, लगा कौन रहा है, थ्री। ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मान लीजिए ये पूरी लाइन 180 हो, ये 60 हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 120। अब यहाँ पे वेक्टर का यूज आ जाएगा, कैसे यूज आएगा, कि एक वेक्टर जो है एफ टू थ्री और दूसरा जो वेक्टर है एफ टू वन, दोनों 120 डिग्री पे है। अब इसका एफ नेट निकालो, क्या निकालो, एफ नेट। तो आप लोगों को पता हो क्लास 11 में बताया था कि दो फोर्सेस जो है वो कुछ एंगल थीटा पे लगे तो उनका नेट जो रिजल्टेंट आता है वो यहाँ पे आता है, और ये जो रिजल्टेंट होता है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। जहां थीटा किसके बीच का कोण होता है, एंगल होता है,
ए और बी के बीच का एंगल होता है। इस कंसेप्ट से यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे, और नेट फोर्स जो होती है वो हमेशा बीच में आती है, आधे आधे एंगल पे आती है, ये भी ध्यान रखना। इसका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेट, और कितने एंगल पे आएगा 60 और 60 पे आ जाएगा। और ये एफ नेट निकालोगे तो क्या बचेगा, रूट एफ 23 स्क्वायर प्लस एफ 21 स्क्वायर प्लस 2 एफ 23 एफ 21 कोस ऑफ 60। सॉल्व कर लेना, एफ 23 भी आपको निकालना पड़ेगा। एफ 23 किसके बीच में फोर्स है, 2 और 3 के बीच में, तो क्या आ जाएगा के क्यू 2 क्यू 3 अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एफ 21 भी निकालना पड़ेगा, तो एफ 21 क्या आ जाएगा के क्यू 2 क्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू यहां भी रखनी पड़ेगी और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है। अगर मैं बात करूं चार के लिए, अगर चार है तो चार्जेस भी कितने रखने पड़ेंगे, चार, एक Q1 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज, तीसरा Q3 चार्ज, और चौथा कौन सा रहेगा बच्चा, वो Q4 चार्ज। तो ये चार चार्ज हमारे पास में है, तो किसी एक के बारे में बोला तो ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, और ये भी नेगेटिव, चार चार्ज हमारे पास में है। और बोला गया कि Q2 पर नेट फोर्स कितना आएगा, तो सबसे पहली चीज ये स्क्वायर है, क्या है रे बेटा स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या होती है ए ए ए और ए। अब ध्यान से देखो कि तो 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, बोल बेटा कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव, क्या बोलेगा पास आ जाइए बच्चा, क्या आ जाइए पास आ जाइए। तो क्या लगने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, रे बोलो सर बिल्कुल लगने वाला है अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो सीधी सी बात है कहां खड़े हो, 2 पे लगा कौन सा है 1, क्या सही बनाया है क्या मैंने, नहीं सर गलत बनाया है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो जिंगूरो बोले नहीं, तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स F21 बन जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में देखोगे तो कौन लगाएगा, 3 लगाएगा, कौन लगाएगा 3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आ जाएगा F23। क्या 4 भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है, तो इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो डायगोनल्स है, क्या है बेटा डायगोनल्स, तो यहाँ पे ये इसका डायगोनल्स होगा और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग लगाएगा, तो ये कैसा नेगेटिव, ये कैसा नेगेटिव, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, और ये लग जाएगा हमारे पास में रिपल्सन फोर्स। इस फोर्स का नाम होगा फोर्स, 2 पे खड़े हो लगा कौन सा फोर्स। अब इन 3 वेक्टर बन गए 1, 2 और 3। अब क्या करना पड़ेगा, अब सीधी सी बात है ध्यान से देखना, एक वेक्टर मेरा यहाँ पे रहेगा F23, एक वेक्टर रहेगा यहाँ पे F21, एक वेक्टर रहेगा F24। अगर 3 वेक्टर है तो कैसे करते, इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो तो कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा FR। अब ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो नेट जो आएगा वो आएगा FR-F24। आगे बात समझ में? लेकिन जनरली क्या होता है, ये यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन नहीं आता, रिपल्सन नहीं आता है, तो ये वेक्टर तो इसी के अलॉन्ग होता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। ऐसा इक्वेशन भी बताऊंगा, ध्यान से देख लो, लिख लो फटाफट, साउंड सही आ रहा है ना, मैं सिस्टम चेक कर लेता हूँ तब तक तुम कर लो। साउंड रेडी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो लिख दे फटाफट लिख दे फटाफट लिख, चलो यही देखो वापिस वही आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मैं वही करूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूं, है ना, क्या करता हूं पता है ना, देखना ध्यान से, इफ देर आर 3 और मोर चार्जेस, जब 3 या 3 से ज्यादा चार्जेस हो जाए, देन नेट फोर्सेस ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज में जो लगेगा वो वेक्टर सम होता है सारे फोर्सेस का ऑन ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। यानी कि जैसे कि बाद में 1, 2 और 3 चार्जेस है, तो इस पे जो भी रिमेनिंग चार्जेस फोर्स लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे, ये F1 बना और ये F2 बना, तो नेट फोर्स कितनी आ गई F1 प्लस F2 आ गई, ये ध्यान रखना।
द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज अनअफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, यानी दो चार्जेस पे जो फोर्स लगती है वो थर्ड चार्ज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आप बात कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, सेम चीज है। वापिस यहाँ पे अगर मान लो खूब सारे चार्ज हो जाए क्यू वन से लेके क्यू एन तक, तो एन चार्जेस पे, जैसे कि हमारे पास में ये एन वाला चार्ज, हम चाहते हैं कि इस एन वाले चार्जेस पे, इस एन वाले चार्जेस पे ये बचे हुए चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे, तो इस पे क्यू वन भी लगाएगा तो एफ एन बन जाएगा, क्यू टू लगाएगा एन पे खड़े हो टू लगाएगा एफ एन टू, एन पे खड़े हो थ्री लगाएगा एफ एन थ्री, ऐसे करते हुए फोर्सेज लगेंगे और सम निकाल देंगे सबका के सब। आगे बात समझ में? चलो अब इस पे क्वेश्चन करने हैं दो, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन उसको करने से पहले आपको पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूँ, समझ गए? बहुत अच्छे हो आप लोग, समझदार भी हो, बढ़िया से समझ भी जाते। ये थोड़ा सा समय ले रहा है बेटा आपको, मैंने है ना 2 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ भाई, ओपन क्यों नहीं हो रहा बेटा तुम? वो देखो है ना, चलो तब तक कुछ बात कर लेते हैं, ओपन। देखो बेटा लाइफ जो होती है ना वो खुद के दम पे चलानी पड़ती, जिंदगी में मोटिवेशन सबसे बड़ा तुम खुद होते हो, और कभी भी डीमोटिवेट हो जाओ ना तो हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि लाइफ में पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो एक फेक है, सारी चीजें फेक है, ध्यान रखना। इस दुनिया में कोई रियल चीज एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे पेरेंट्स है और कोई नहीं, ये ध्यान रखना।
चलो ये दिक्कत कर रहा है, एक साथ ऊपर नहीं हो रहा है, तो काम करता हूँ मैं ना, इस बार डायरेक्ट ट्यूशन करवा देता हूँ, और जो पीपीडीज है वो मैं भेज चुका हूँ पहले ही, ठीक है? तो उसके अंदर से आप एक बार पढ़ लेना, समस्या है तो मैं कब बड़ा मन था मैं इसको ना बताऊँ, पर अभी है ना कहते हैं ना कि इसको दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ये आपकी तरह ये नखरे करने लग गया है ना, तो ये नाटक कर रहे। चलो उसके नाटक को भी थोड़ा सा रोकते हैं। नौटंकी तेरी कब खत्म होगी रे बेटा, ए लाला तेरी नौटंकी कब खत्म होगी। चलो ये तो नौटंकी करेगा है ना, तो एक बार जो अगली वाली क्लास बनाऊंगा ना उसमें ये बता दूंगा वापस, तो आप भी एक बार क्या करिएगा इसको देख लीजिएगा है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चलो लोकेशन करवा देता हूँ वाले। चलो ये वाला सवाल था बेटा, आपको बताना है थ्री इक्वल चार्ज रखे हुए हैं एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू। आपको बताना है द फोर्स ऑफ एनी चार्ज, इस किसी भी एक चार्ज पे जो वो नेट फोर्स कितनी आएगी वो आपको बताना है। तो हम लोग ऊपर वाला जो चार्ज है वो ले लेते हैं, तो ऊपर वाला चार्ज जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखना, हमने ये वाला चार्ज लिया स्मॉल क्यू, इस पे हम लोग नाम दे देते हैं, ये वन है, ये हमारा टू है और ये हमारा थ्री है, इसकी नेचर पॉजिटिव, इसकी भी नेचर पॉजिटिव, तो ये इस पे कैसा लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, तो इसका फोर्स कहाँ लग जाएगा, इस तरह लग जाएगा, कौन लगाएगा वन है, कौन लगाने वाला है टू लगाने वाला है, कौन लगाने वाला है वन है तो टू लगाने वाला है। उसके बाद में ध्यान से देखोगे थ्री वाला भी लगाएगा तो किधर लगाएगा, किधर लगाएगा, अग्नि लगाएगा जिसका नाम क्या होगा F13, ठीक है, ये सेंटर से लगते हैं ध्यान रखना है ना, ये भी तो मैंने थोड़ा सा इसको ना क्रॉस कर दिया, ऐसे कटेंगे नहीं, ध्यान रख लेना तुम लोग इस तरीके से, तो इनको मिलाना पड़ेगा, तो ये सेंटर से लगते हैं इनको मिलाने वाली लाइन के, इसको मिलाने वाली लाइन पे इधर लगा, इसको मिलाने वाली लाइन पे इधर लगा। अब नेट फोर्स चाहिए तो एंगल तो चाहिए ही चाहिएगा, तो ये एंगल कितना है 60, कितना है 60, अगर ये आपका एंगल 60 है तो ये एंगल कितना, क्वेश्चन था ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, कोई तरीका है क्या एंगल फाइंड करने का, बहुत सारे तरीके हैं ना, आप निकालना चाहो तो बहुत तरीके से निकाल सकते हो, समझ गए, तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये लाइन करोगे तो 120 से ये 60 हो जाएगा डायरेक्ट, कैसे करोगे ये 60 हुआ, इस वाली लाइन पे एंगल का कितना एंगल बनेगा, लाइन पे ये 120 हुआ, इस वाली लाइन पे कितना बनेगा 180, तो ये 120 थी 160, तो दो फोर्सेज है हमारे पास में इस तरीके से, एक फोर्सेज है F12 और एक फोर्सेज है F13, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आप सबसे पहले F12 निकालो, F13 निकालो, F12 यानी कि 1 और 2 के बीच में फोर्स, 1 कहाँ है और 2 कहाँ, ये रहा 1 ये रहा 2, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसको एफ मान लो इसको भी एफ मान लो। अब आप एफ नेट निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos ऑफ 60, अभी दोनों बराबर है तो क्या बन जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस
प्लस टू इंटू एफ कोस 60 बोले तो साइन 30 मतलब 1/2, तो ये कितना बच गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना रह गया बेटा रूट 3 एफ स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 एफ रह गया। अब एफ का मान कितना था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, ये यहाँ से रिजल्ट आ जाता है रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देख लो जल्दी से। तो ये 3 चार्ज का सिस्टम था। नेक्स्ट बात करते हैं 4 चार्ज के सिस्टम की। ये रहा 4 चार्ज का सिस्टम, किसी एक को पकड़ोगे 1, 2, 3 और 4, ये 1 है 2 है, इसका फोर्स यहाँ लगेगा एफ 1, 2 लग जाएगा ठीक है, फिर इसके कारण लगेगा तो रिपल्सन कहाँ लगना है बेटा, ये भी क्यू तो रिपल्सन इधर लगना है, सीधी सी बात है एफ 1, 4 लग जाएगा। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखोगे तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू, तो वापिस रिपल्सन लगना है, जो कौन लगाएगा एफ 1, 3 लगाएगा। आ गई बात समझ में, तो यानी अगर हम इनको अच्छे से बनाएं इस तरीके से हमारे पास बनेंगे तीनों वेक्टर, एक हमारे पास में एफ 1, 2 है ठीक है, एक हमारे पास में एफ 1, 2 और एक हमारे पास में एफ 1, 4 है, और उसके बाद में इनके बीच में एक और फोर्थ लग रहा है, इसको मिलाने वाले डाइगोनल के अलावा, तो ये एफ 1, 3। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करके नेट निकालोगे, तो एफ 1, 2 का मान क्या रहेगा, एफ 1, 2 का मान रहेगा के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर रहने वाला है एफ 1 और 2 के बीच में। उसके बाद में एफ 1, 4 का मान क्या रहने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर रहने वाला है। आई बात समझे, एफ 1, 3 का मान क्या रहने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये ए ये बी ये ए ये ए, तो ये कितनी बन गई बेटा रूट 2 है, तो ये बन जाएगा रूट 2 ए का स्क्वायर, ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपन 2 ए स्क्वायर। आई बात समझ में, तो सबसे पहले इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों का इनके बीच में आने वाला है एफ 1, 2 और 1, 4 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यह आएगा उसे क्या कहेंगे एफ आर, तो एफ आर कितना बन जाएगा, एफ आर बन जाएगा रूट एफ 1, 2 का स्क्वायर प्लस एफ 1, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया एफ 1, 2 और एफ 1, 4 प्लस 2 एफ 1, 2 एफ 1, 4 कॉस 90, कॉस 90 क्या कर देगा इसको 0, आपको पता है 1 और 2 और 1 और 4 के बीच में फोर्सेस सेम ही है, तो इसको एफ मान लो, क्या मान लो एफ, ये क्या बच गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो गया 0, तो ये आ गया अंडर रूट 2 एफ आ गया, यानी कि एफ आर कितना आ गया अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आ गया। अब क्या हुआ ध्यान से देखना, अब क्या हुआ कि एक तो हमारा जो वेक्टर है वो इस तरीके से जा रहा है, एक क्या हो रहा है इस तरीके से जा रहा है जिसका नाम है वेक्टर का एफ आर, एक उसके ऊपर जा रहा है जिसका नाम क्या है बेटा एफ 1, 3 नाम है शायद, एफ 1, 3 नाम है ना, ओके एफ 1, 3। अब नेट क्या करोगे, तो दो वेक्टर एक की डायरेक्शन बताएंगे, अब जुड़ जाएगा एफ 1, 3 प्लस एफ आर, एफ आर आपने निकाल दिया रूट 2 एफ, एफ 1, 3 अब निकला था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ गया रूट 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच गया रूट 2 प्लस 1/2 बच गया, रूट 2 भी कॉमन ले लो, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, वैसे आ गया ये वाला रूट 2 प्लस 1/2। आगे बात समझ में, चलो ये यहां तक तुम्हारा हो गया, अब ध्यान से सुनना और समझना, तो हमने कूलॉम पूरा कंप्लीटली खत्म कर दिया ठीक है, सुपरपोजिशन भी खत्म कर दी, क्वेश्चन कराना भी सिखा दिया, लेकिन इसकी थ्योरी पोर्शन भी बताऊंगा, थ्योरी इसलिए बताता हूँ पीपीटी से कि जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं ना उनको थोड़ी सी है ना सामर्थ्य मिले, है ना, क्योंकि बोर्ड के बच्चे क्या है, एक कंपटीशन के बच्चे में और बोर्ड के बच्चे में क्या फर्क होता है, यही तो फर्क होता है कि बोर्ड के बच्चे को पूरी थ्योरी नॉलेज से पढ़नी भी पड़ती है और लिखनी भी पड़ती है, देखिए कंपटीशन के बच्चे को सिर्फ थ्योरी को दिमाग में देखना है क्वेश्चन करना है, इतना फर्क होता है। चलो होमवर्क लिख दो आज का जल्दी से, होमवर्क ज्यादा नहीं है बेटा कम ही है होमवर्क में, सबसे पहले एक DPP 1 का होमवर्क मिलेगा आज और उसके बाद में मॉड्यूल का मिलेगा, मॉड्यूल में ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, 1 से 30 एग्जाम्पल खुद से करने हैं, नहीं समझ में आए आज संडे है पूरे दिन मेरे को भेज देना ठीक है, उसके बाद में एक्सरसाइज 1 का सवाल करने हैं आपको, ज्यादा नहीं करने हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 21 का,
डीपीपी के कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ ना, एक सेकेंड। इसमें सवाल है बेटा आपके, एक तो क्वेश्चन नंबर है 1, 4, 5, 9 क्या हो गया भाई, दिक्कत बहुत करते हैं। 1 4 तो साइड में आ जा पहले ना, 1 4 5 9 और 50 ठीक है। तो ज्यादा सवाल नहीं दिए मैंने, 21 और 23 कितने होते 44, 1 2 3 4 5 49 सवाल का होमवर्क दिया, ज्यादा नहीं दिया मैंने ना। 49 में से सॉल्व कौन से करवाने वाला हूँ पता है ना, ये 5 क्वेश्चंस और 21 क्वेश्चंस, टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो सॉल्यूशन का रहेगा, हो सकता है कि मैं सॉल्यूशन की क्लास अपलोड करके फिर आगे थ्योरी की क्लास ले लूँ। अब जो हमारा बचा हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है एक सुपर पोजिशन के बाद में, इसमें कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंडीशन ठीक है। तो वो और सुपर पोजीशन की थ्योरी जो अभी ओपन नहीं हो रही थी वो थोड़ी देर में ओपन करके उसका अलग से वीडियो बना के डालना पड़ेगा ठीक है। तो करवा के कूलम्ब्स तक कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड और गाउस बचेगा उसको स्टार्ट कर देंगे ठीक है बच्चों। तो होमवर्क एक बार लिख दीजिए अच्छे से, और ग्रुप में पहले से ही आ चुका है, ग्रुप में ना मॉड्यूल आ चुके हैं, नोट्स आ चुके हैं, डीपीपी आ चुकी है, तीनों चीज़ें आ चुकी है ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो और अच्छे से मेहनत करो बेटा, मेहनत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है ना। चलो बच्चों धन्यवाद, राधे राधे, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, सभी से विदा लेते हैं। और आज जो कमेंट किए उनके नाम वापस ले लें ताकि वो बच्चे खुश हो जाए, कमला जी, मीना जी, और वो एस कौनते और निम्बाराम जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब अच्छे से मस्ती से पढ़ाई करें, मस्त रहे, जीवन में खुश रहें, आपका जो टारगेट है उसको अच्छे से प्राप्त कर पाए। राधे राधे।